तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ए प्लस आइटा बी इज इक्वल टू सी प्लस आइटा बाय सी माइनस आइटा। तो प्रूव दैट ए स्केयर, दो पार्ट है इसके अंदर, ठीक है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू वन एंड बी बाय ए इज इक्वल टू टू सी बाय सी स्केयर प्लस वन। सबसे पहले व्हाट नॉट टू डू इन दिस क्वेश्चन, ठीक, क्या चीज हमें जो नहीं करनी है। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर ये चीज दे रखी है, ठीक, तो ए प्लस आइटा बी इज इक्वल टू सी प्लस आइटा बाय सी माइनस आइटा, तो इसको सिंप्लीफाई मत करना, डू नॉट सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है, ये जो सी प्लस आइटा बाय सी माइनस आइटा है, डू नॉट मल्टीप्लाई बाय सी प्लस आइटा बाय सी प्लस आइटा। इसको सिंप्लीफाई करने की, ये स्टेप करने की कोशिश मत करना, इससे इनफेक्ट कॉम्प्लेक्स हो जाए। ठीक, ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये पार्ट इसके लिए मैं बता, ठीक, इसके लिए नहीं मैं बता रहा हूँ, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक, क्योंकि ये जो सिंप्लीफिकेशन है, ये हमारा सेकंड पार्ट में हेल्प करेगा, ये फर्स्ट पार्ट में हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, याद है कल हमने क्या किया था कि अगर ए प्लस आइटा बी से, ठीक, अगर हमें ए स्केयर प्लस बी स्केयर जाना है, तो हमारा क्या मेथड होता है, इस पर्टिकुलर चीज को इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना, ठीक है। लेकिन ये दोनों के दोनों काम एक ही स्टेप के अंदर नहीं करेंगे। काफी बच्चों ने एक ही स्टेप के अंदर किया हुआ है, ठीक, उन्होंने एक ही स्टेप के अंदर लिख दिया है, सॉरी, कि उन्होंने एक ही स्टेप के अंदर लिख दिया है कि मल्टीप्लाइंग दिस पर्टिकुलर विद इट्स कंजुगेट, तो डायरेक्टली ये चीज नहीं, ठीक है। सूर्यांश एंड जो भी अभी रिसेंटली ज्वाइन किए हैं, प्लीज अपने अपने होमवर्क नोटबुक निकाल लीजिए, अभी मैं सारे के सारे क्वेश्चंस कर रहा हूँ, ठीक। एंड कहीं ठीक पर कोई भी डाउट आ रहा है, कहीं भी आपका आंसर जो है मैच नहीं कर रहा, स्टेप्स मैच नहीं कर रहे, तो प्लीज पूछिए, ठीक है। हाँ ठीक जी, ठीक है हाँ जी, तो देखिए जरा अब करना क्या है इसके अंदर। तो देखो, फर्स्ट पार्ट के लिए ए प्लस सर, आइटा आपकी बी, वीडियो नहीं आ रही, हाँ जी, आपकी वीडियो नहीं आ रही, क्या नहीं आ रही, वाइट स्क्रीन नहीं आ रही सर आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही, ना। एक सेकंड रुको, हाँ जी अभी आई, हाँ जी सर, अब बाकी ओके ओके, हाँ जी, तो देखिए जरा ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, ए प्लस आइटा बी इज इक्वल टू सी प्लस आइटा बाय सी माइनस आइटा, ठीक, ये चीज है। अब सबसे पहले हमें स्टेप में क्या करना है, ठीक, स्टेप वन दैट इज टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ द साइड्स, ठीक, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ द साइड्स। तो ये करने के बाद हमारा क्या जाएगा, दैट इज ए प्लस आइटा बी, माइक प्लीज ऑफ कर लीजिए, इक्वल टू सी प्लस आइटा बाय सी माइनस आइटा चुप कर गया। कंजुगेट। अरे माइक प्लीज ऑफ कर लीजिए, अपना अपना माइक ऑफ रखिए। हाँ जी, तो दैट विल बिकम योर सी प्लस आइटा का कंजुगेट डिवाइडेड बाय सी माइनस आइटा का कंजुगेट, तो दैट विल बिकम सी माइनस आइटा बाय सी प्लस आइटा, ठीक। तो मेरे को यहाँ पे क्या मिला, मेरे को दैट इज सी ए माइनस आइटा बी दैट इज इक्वल टू सी माइनस आइटा बाय सी प्लस आइटा, ठीक। तो ये कंजुगेट लेने के बाद ये स्टेप मिला मेरे को, ठीक, तो दिस इज वन एंड दिस इज टू, ठीक। अब हम क्या करेंगे, वन को टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो मल्टीप्लाई वन विथ टू, ठीक, तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, वन के अंदर क्या है ए प्लस आइटा बी एंड वन के अंदर इधर क्या है ए माइनस आइटा बी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये बन गया ए प्लस आइटा बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस आइटा बी, ठीक। अब राइट हैंड साइड में क्या है, सी प्लस आइटा बाय सी माइनस आइटा, ठीक, दैट इज सी प्लस आइटा बाय सी माइनस आइटा इंटू सी माइनस आइटा बाय सी प्लस आइटा। अब ध्यान से देखो, ये इधर इसके साथ कटा, ये इसके साथ कटा, तो ये इधर तो वन आ गया, और इधर ये चीज जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, दैट इज ए स्क्वायर माइनस आइटा बी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वन। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस, इधर बन जाएगा बी का स्क्वायर एंड आइटा का स्क्वायर, आइटा का स्क्वायर माइनस आ जाएगा दैट इज वन, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वन, ठीक। तो इस तरीके से हमने ये स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट पार्ट प्रूव किया, ठीक, ये जो फर्स्ट पार्ट था ये प्रूव किया, ठीक है। ध्यान से समझो क्या किया हमने, टेकिंग कंजुगेट ऑन द बोथ साइड दैट इज स्टेप वन, ठीक। तो इसको करने के बाद ये चीज मिल गई, जैसे ये चीज मिली, नाउ दिस इज स्टेप टू, दैट इज हमने जो फिर गिवन स्टेटमेंट थी वो एंड जो कंजुगेट करके आया वो, इन दोनों को फिर हमने मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिला, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वन, अपने आप ये चीज, ठीक। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट किया।
आई होप ये चीज क्लियर हुई। इसमें अभी कोई भी डाउट है तो प्लीज बोलो, किसी को भी कोई भी डाउट है प्लीज। सर मैंने ना ये वाले स्टेप से नहीं किया, सिंप्लीफिकेशन करके फिर किया। हाँ तो सिंप्लीफिकेशन करके करोगे, आई थिंक मैंने आपको बोला था आपका आंसर लेंथी है। नो सर। रुको मैं आपका आंसर चेक कर रहा हूँ, आपने मेरे को भेजा हुआ है, ठीक है जस्ट ए सेकंड, एक सेकंड रुकिए। आपका फर्स्ट वाला जो आंसर है हर्षली ना, आपने मेरे को क्वेश्चन नंबर वन सेंड नहीं किया सर, किया है, मैं आपको एक मिनट सकते हैं, एक सेकंड रुको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपने मिला मिला मिला, तो आपने ए प्लस आई टाइप, ठीक है आपने पहले सिंप्लीफाई किया उसके बाद आपने किया राइट। अच्छा एक और चीज हर्षली ना, आप अपना आंसर खोल लिए जरा, मैं आपको अभी चीज बताता हूँ। एक मिनट हर्षलिन खोला आपने आंसर? यस सर। हाँ जी ध्यान से देखिए, आप अपने आंसर में चेक करिए आपने क्या किया, ए प्लस आइटा बी को सिंप्लीफाई कर दिया सी प्लस आइटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, फिर आपने मॉडुलस ले लिया। यस सर। अब मॉडुलस लेने के बाद देखो, मॉडुलस लेना गलत नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्चुअली में इसको मॉडुलस के थ्रू कैसे करना वो मैंने कराया नहीं है ठीक है, लेकिन अगर आपने किया तो अच्छी बात है। अब आपने मॉडुलस लेके देखो क्या किया, रियल पार्ट इसका क्या जा रहा है, That is c square minus 1 by c square plus 1, बिल्कुल सही ठीक, उसका square आपने कर दिया। लेकिन मेरे को ये बताओ इसका imaginary part क्या आ रहा है? Sir, 2c by c square plus 1। आपने फिर आइटा क्यों लिया साथ में, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट के साथ आइटा नहीं आता, याद है कल भी मैंने आपको बताया था, आपने कल भी गलती कर रहे थे ये। Yes, sir. है ना, तो ये जो आपने मॉडुलस लेने के बाद ये जो अंडर रूट वाला स्टेप किया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये चीज, तो इसके अंदर ये जो आपने 2c आइटा लिखा है ना, 2c आइटा बाय c स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यस सर, ये आइटा नहीं आएगा पहली बार। ओके सर ठीक है, अब इसके नीचे वाले स्टेप में आइए, अब आपने स्केयरिंग कर दी। यस सर। ठीक है, तो आपका क्या बना देखो, लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट हैंड साइड में आपका बना सी की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 सी स्क्वायर, है ना? Yes, sir. और डिनोमिनेटर में तो वैसे ही रहने दीजिए, दैट इज सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, उसको ओपन मत करिए ठीक है। अब जो सातवीं वाली टर्म है उसके अंदर आइटा नहीं आएगा, तो आइटा नहीं आएगा तो क्या बन जाएगा, वो 4 सी स्क्वायर बन जाएगा, आइटा स्क्वायर नहीं आएगा। यस सर। ठीक है, आइटा स्क्वायर नहीं आएगा तो 4 सी स्क्वायर आएगा। अब सोचो ये 4 सी स्क्वायर जब ये माइनस 2 सी स्क्वायर के साथ ऐड होगा तो प्लस 2 सी स्क्वायर बन जाएगा। यस सर। ठीक है, अब जाके आपका आंसर सही आएगा, अब जाके बन जाएगा। लेकिन सोचो ये जो मैंने किया, ठीक है ध्यान से देखो, अभी स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे देखिए, मैंने सिर्फ दोनों को मल्टीप्लाई किया और ये दोनों चीजें कट गई और कट के डायरेक्टली वन आ गया। तो आपने जो किया है वो बहुत कॉम्प्लेक्स किया है, मैंने जो किया वो बहुत सिंपलीफाइड वे में किया। आई होप क्लियर हुआ। यस सर। ठीक है, तो प्रेफर दिस वाला मेथड एंड ट्राई टू रिकॉग्नाइज, आप वही वाली गलती ना दोबारा कर रहे हैं ठीक है। क्या कि आइटा वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है राइट, वो साथ साथ में आप लिखते जा रहे हैं। यस सर। ठीक, यस सर, आई होप आपको क्लियर हो। हाँ जी, किसी yes, को कोई डाउट है तो प्लीज बोलिए। हाँ जी, किसी और को डाउट है तो प्लीज बोलिए। ठीक है, चले आगे। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, दैट इज बी बाय ए इज इक्वल टू 2 सी बाय सी स्क्वायर माइनस 1, ये प्रूव करना है। अब इसके लिए मेरे को B अलग से चाहिए, A अलग से चाहिए। जैसे ही B और A अलग अलग मिल जाएगा मेरे को, हम उन दोनों को पकड़ के डिवाइड करेंगे। अब वो कैसे मिलेगा मेरे को, ठीक, उसके लिए हम क्या करेंगे इधर, ठीक ध्यान से देखना, उसके लिए हम क्या करेंगे इधर रैशनलाइज करेंगे, मतलब सिंप्लीफाई करेंगे ठीक है। तो ध्यान से देखना ये चीज, फिर हम जो पहले किया था उसके साथ A और B की वैल्यू आ ही जाएगी जब कंपेयरिंग करेंगे। कहां पे भाई, कहां पे? सर जैसे कंपेयरिंग रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो चीज देखो जरा, a प्लस आइटा बी इज इक्वल टू सी प्लस आइटा बाय सी माइनस आइटा, आई होप यही है कि c माइनस ऊपर है। हाँ ठीक है, यही है। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर रियल पार्ट को कंपेयर करने के लिए इधर भी रियल पार्ट हमें पता होना चाहिए ना क्या चीज है, तो उसके लिए रैशनलाइज करेंगे। एग्जैक्टली, उसके लिए अब रैशनलाइज करेंगे। मैं वही बोल रहा हूँ कि सेकंड पार्ट के लिए हमें वो चीज सिंप्लीफिकेशन, मैंने फर्स्ट पार्ट में कर दिया था ये। हाँ लेकिन फर्स्ट पार्ट के अंदर अगर आप सिंप्लीफिकेशन के थ्रू चलोगे तो आपका ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा,
मैं वही चीज समझा रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली जो सिंप्लीफिकेशन है ये सिर्फ और सिर्फ हमें सेकंड पार्ट के लिए चाहिए, फर्स्ट पार्ट के लिए नहीं चाहिए। आई होप क्लियर हुआ, ठीक है। हाँ जी, अब देखो जरा आगे, आगे क्या चीज आ रही है, इसको सिंप्लीफाई किया, दैट इज सी प्लस आइटा बाय सी प्लस आइटा, तो दैट इज योर सी प्लस आइटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर, तो ये बन गया आपका, ध्यान से देखो, सी स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर प्लस टू सी आइटा बाय सी स्क्वायर प्लस वन, आइटा का स्क्वायर माइनस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस वन हो गया, तो ये बन गया ध्यान से, ये माइनस वन आ गया, तो ये बन गया सी स्क्वायर माइनस वन बाय सी स्क्वायर प्लस वन प्लस आइटा टाइम्स टू सी बाय सी स्क्वायर प्लस वन। हाँ जी, इस पर्टिकुलर स्टेप में कोई डाउट है किसी को तो प्लीज बताओ। हाँ जी, क्लियर हुआ? नमन, प्रिंस, राजवेद साहेब, क्लियर हुआ? क्लियर है सर। यस सर। ठीक है, ठीक। सुरेश प्लीज भाई चेक करियो, ठीक है, तो कहीं पर भी डाउट आ रहा प्लीज पूछो ना। हाँ जी, अब हमने क्या किया, रियल पार्ट को कंपेयर किया, तो ए की वैल्यू आ गई, ये ए की वैल्यू क्या आई, सी स्क्वायर माइनस वन बाय सी स्क्वायर प्लस वन, एंड बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू क्या आ रही, जो आइटा के साथ लगा हुआ, दैट इज दिस, तो क्या आ गया वैल्यू, टू सी बाय सी स्क्वायर प्लस वन, ये वैल्यू, ये वैल्यू। अब हमने क्या किया, बी डिवाइडेड बाय ए किया, तो बी की वैल्यू ये न्यूमरेटर में है, तो दैट इज टू सी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय ये ए की वैल्यू, दैट इज सी स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस वन, तो ये सी स्क्वायर प्लस वन कटा, तो ये क्या आ गया, टू सी बाय सी स्क्वायर माइनस वन। इस तरीके से हमें ये वाला पर्टिकुलर पार्ट हमें मिल गया, दैट इज बी बाय ए की वैल्यू। आई होप क्लियर हुआ। हाँ जी, तो इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट आया। शौर्य क्लियर हुआ कैसे करना है? यस सर। हाँ जी, सुरेश भाई क्लियर हुआ तेरे को? सुरेश क्लियर हुआ? ऐशिका आपको क्लियर हुआ? यस सर। ओके ओके, ठीक। अच्छा, तो फर्स्ट क्वेश्चन में कोई भी, अभी भी कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, वरना आगे चल रहे हैं सेकंड क्वेश्चन पे। नो सर। चलो सेकंड क्वेश्चन, अब देखो, फाइंड द कंजुगेट ऑफ दिस, ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का करेक्ट है, ठीक, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है, लेट्स सी इट अगेन, बट स्टिल एक सेकंड क्वेश्चन, तो कंजुगेट ऑफ 1/4 + 3 आइटा, ठीक, 1/4 - 3 आइटा, सॉरी वो माइनस है, ठीक, 4 - 3 आइटा। अब ये चीज करने के लिए देखो दो काम है, या तो मैं डायरेक्टली कंजुगेट ले लूं, ठीक, और मैं पहले इसको सिंप्लीफाई करूं, फिर उसके बाद लास्ट में सिंप्लीफाई करके जो चीज आई फिर उसका कंजुगेट लूं, ठीक। मैं दो तरीके से कर सकता हूं, या कि या तो डायरेक्टली कंजुगेट ले लूं, ठीक, या तो पहले सिंप्लीफाई करूं फिर कंजुगेट लूं, ठीक है, मैं दोनों से करके दिखा रहा हूं, देखो जरा ध्यान से। पहले इसको मैंने किया सिंप्लीफाई, तो दैट इज 1/4 - 3 आइटा इंटू 4 + 3 आइटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 आइटा, ठीक, तो क्या बन गया, दैट इज 4 + 3 आइटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बन जाएगा आपका 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, ये बन गया 4 + 3 आइटा डिवाइडेड बाय 25, ठीक, तो दिस इज 16 एंड दिस इज 9, तो 16 + 9 हो जाएगा 25, तो ये ध्यान से देखो क्या बन गया, दैट इज 4/25 + 3/25 आइटा, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, ठीक, ये ओरिजिनल क्वेश्चन के बना है। अब इसका कंजुगेट लेना है, तो इसका कंजुगेट लेने के बाद क्या बना, टेकिंग कंजुगेट, ठीक, तो ये बन गया आपका 4/25 - 3 आइटा / 25, ठीक, तो दिस इज द फाइनल आंसर। क्या किया हमने, पहले सिंप्लीफिकेशन किया, बाद में कंजुगेट लिया, ठीक, ये तो कर लो, अदरवाइज पहले कंजुगेट ले लो, तो पहले कंजुगेट लेने का मतलब क्या, 1/4 - 3 आइटा का टोटल का कंजुगेट, ठीक। अब टोटल का कंजुगेट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कंजुगेट अलग अलग हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में क्या, 1 + 0 आइटा, ठीक है, याद है कल भी मैंने तुम्हें बताया था, ये सिंपली जो 1 है ये 1 + 0 आइटा होता है, ठीक, 1 + 0 आइटा का कंजुगेट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का कंजुगेट, दैट इज 4 - 3 आइटा का कंजुगेट हो जाएगा, तो 4 - 3 आइटा का इस तरीके से कंजुगेट हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, कंजुगेट करने के बाद न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, ये दैट इज 1 - 0 आइटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, 4 + 3 आइटा, तो दिस इज नथिंग बट 1/4 + 3 आइटा। अब इसके अंदर हम ऑलरेडी कंजुगेट ले चुके हैं, ठीक, अब जस्ट इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है,
So that is 1 by 4 plus 3 iota into 4 minus 3 iota divided by 4 minus 3 iota. तो ये क्या बन गया हमारा 4 माइनस 3 आयटा डिवाइडेड बाय नीचे बन गया 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयटा का स्क्वायर, तो वो प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा. तो ये क्या बन गया तुम्हारा, दैट इज 4 बाय 25 माइनस 3 बाय 25 आयटा. तो ध्यान से देखो आंसर सेम आया. ठीक, तो पहले कंजुगेट लेके फिर सिंप्लीफाई करो या पहले सिंप्लीफाई करके फिर कंजुगेट लो, इट्स वन एंड द सेम. हाँ जी, इस क्वेश्चन में कोई डाउट प्लीज सारे बताओ जरा मेरे को. नो नो सर. किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर. ठीक है, अच्छा किसी को डाउट है पहले वो बोलो, जिसको डाउट है वो बोलो सिर्फ. प्रिंस क्लियर हुआ तेरे को? यस सर. सूर्यांश भाई क्लियर हुआ तेरे को? सूर्यांश यस सर. क्लियर है ना? ठीक 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 है. चलो अभी थर्ड क्वेश्चन देखो जरा. थर्ड क्वेश्चन क्या है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर भी काफी बच्चों ने गड़बड़ की हुई है. ठीक है, बेसिकली कंजुगेट वाली पार्ट ना अभी तुम लोगों को हैंडल नहीं करना आ रहा. ठीक है, ध्यान से देखना ये चीज. ठीक, तो इस क्वेश्चन में क्या है, x प्लस आइटा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए प्लस आइटा बी डिवाइडेड बाई सी प्लस आइटा डी. ठीक, x प्लस आइटा वाई बिल्कुल ठीक. तो हमें प्रूफ क्या करना है? ठीक है, प्रूफ दैट, ठीक, प्रूफ दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड इधर इस चीज का होल स्क्वायर. ठीक, ये चीज अपने को प्रूफ करनी है. तो यही चीज हमने प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, देखो अब ध्यान से देखो, या इसकी जगह हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक, इसकी जगह चाहिए हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी जगह चाहिए हमें सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. तो अगेन इसको इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो वो करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, ध्यान से देखना है चीज. हाँ जी, तो टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स, तो क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा एक्स प्लस आइटा वाई का कंजुगेट इक्वल टू अंडर रूट के अंदर चला जाएगा कंजुगेट, तो ए प्लस आइटा बी का न्यूमरेटर में कंजुगेट हो जाएगा एंड सी प्लस आइटा डी डिनोमिनेटर में कंजुगेट हो जाएगा. तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ ए माइनस आइटा बी डिवाइडेड बाय सी माइनस आइटा डी. ठीक, तो कंजुगेट करने के बाद ये हो जाएगा. हाँ जी, तो अब ये बन गया आपका एक्स माइनस आइटा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए माइनस आइटा बी डिवाइडेड बाय सी माइनस आइटा डी. तो कंजुगेट करने के बाद ये चीज चल गई. तो दिस इज वन एंड जो ओरिजिनल इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर दैट इज टू. अब वन को मल्टीप्लाई बाय टू कर देंगे, तो वन मल्टीप्लाई बाय टू किया क्या बन जाएगा, एक्स प्लस आइटा वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस आइटा वाई दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए प्लस आइटा बी बाय सी प्लस आइटा डी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस आइटा बी डिवाइडेड बाय सी माइनस आइटा डी. ठीक, तो ये चीज क्या बन जाएगी, दैट इज अंडर रूट ऑफ, अब देखो ये चीज इधर क्या बन जाएगा, ये दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. हाँ जी, एक सेकंड रुको जरा. सूर्यांश, सूर्यांश भाई हेलो. सूर्यांश हेलो. सूर्यांश हाँ भाई, इस स्टेप में तू गलती कर रहा था कि यहाँ पे तू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख रहा था इंस्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, तो ये स्टेप ध्यान से चेक कर, अगर इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज मेरे को बता सूर्यांश. हेलो हेलो सूर्यांश, बाकी सबको क्लियर हो रहा है? यस सर. ठीक ठीक ठीक, आई थिंक वो इंटरनेट की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है उधर. चलो कोई नहीं. हाँ जी, तो इधर क्या बन जाएगा फिर, ये दोनों मल्टीप्लाई होके आपस में क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिनोमिनेटर पर बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. अब हमने स्केयरिंग ऑन बोथ द साइड्स किया, तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इधर बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर.
तो इस तरीके से हमने ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन ये हमने प्रूव किया। हाँ जी श्योर क्लियर हुआ आपको? सर एक चीज पूछनी है, नीचे लास्ट स्टेप में अपने होल्स केयर कैसे ले लिया? लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि एक्चुअली में ध्यान से देखो हमें जो चीज चाहिए प्रूव करने उसके अंदर अंडर रूट नहीं होना चाहिए सर, तो हमने दोनों तरफ स्केयर की। ठीक है सर, तो बेसिकली हमने किया क्या, स्केयरिंग ऑन बोथ द साइड्स किया ना हमने? नहीं सर, अगर पहले ही स्केयरिंग बोथ साइड्स कर ले तब भी हो सकता है ठीक, लेकिन उसके अंदर स्केयरिंग ओपन नहीं करनी है ठीक है। एक बंदे ने ना स्केयरिंग ओपन कर दी थी, मैं आपको बताता हूँ उसके अंदर क्या करना है ठीक है। शौर्य आपको क्लियर हुआ? स्केयरिंग ऑन बोथ द साइड्स किया हमने ठीक है सर। स्केयरिंग कर दी, हाँ जी यही पूछना था लास्ट। बस एक चीज याद रखना शौर्य, यहाँ पे ये जो परफेक्ट स्केयर बन रहा है, ये जो स्केयर बन रहा है ये स्केयर ओपन नहीं करना है आपको, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्केयर का फॉर्मूला नहीं लगाना है ठीक है सर। ठीक है हाँ जी, जो पहले स्केयरिंग कर रहे हैं ठीक उसके अंदर भी क्या कर सकते हैं ठीक है, ध्यान से देखो ये चीज। तो ये वाला स्टेप लिया हमने ठीक, तो ये वाला जो स्टेप है ठीक, दैट इज एक्स प्लस आइटा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए प्लस आइटा बी डिवाइडेड बाई सी प्लस आइटा डी। अब यहाँ पे हमने स्केयरिंग कर दी तो बन गया एक्स प्लस आइटा वाई का होल स्केयर दैट इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी डिवाइडेड बाई सी प्लस आइटा डी ठीक। लेकिन याद रखना यहाँ पे स्केयरिंग नहीं ओपन करनी, अगर आपने यहाँ पे स्केयर ओपन कर दिया फिर आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, फिर आप अलग रास्ते पे जा रहे हो ठीक है। तो इसको स्केयर के फॉर्म में रखो, क्यों? क्योंकि हमें फाइनल आंसर में भी क्या चाहिए ठीक, जो चीज प्रूव करनी है उसके अंदर भी ये चीज का परफेक्ट स्केयर चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको परफेक्ट स्केयर के फॉर्म में ही रखेंगे, इसको हम स्केयरिंग ओपन नहीं करेंगे ठीक। अब हमने अगेन क्या किया, कंजुगेट ऑन बोथ द साइड्स, इसके अंदर अब कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स। तो ये करने के बाद ठीक, कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स करने के बाद क्या आया हमारा ठीक, ध्यान से देखो x प्लस आइटा वाई का स्केयर का कंजुगेट दैट इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी डिवाइडेड बाय सी प्लस आइटा डी का टोटल कंजुगेट। तो ये तो बन गया ए प्लस आइटा बी का कंजुगेट, ऊपर अलग हो गया, नीचे सी प्लस आइटा डी का कंजुगेट अलग हो गया, तो ये बन गया ए माइनस आइटा बी डिवाइडेड बाय सी प्लस सी माइनस आइटा डी ठीक। हाँ तो सी माइनस आइटा डी ठीक। अब लेफ्ट हैंड साइड में ये चीज क्या बन गई आपकी, दिस इज नथिंग बट, ध्यान से समझना ये चीज, तो दिस इज नथिंग बट एक्स माइनस आइटा वाई का होल स्केयर ठीक। बेसिकली आइटा वाला जो पार्ट है उसका साइन ऑपोजिट हो गया ठीक। तो ध्यान से देखो ये क्या बन गया फिर, दिस इज इक्वल टू ये चीज दैट इज ए प्लस ए माइनस आइटा बी डिवाइडेड बाय सी माइनस आइटा डी। अब ये चीज को पकड़ के हमने जो ओरिजिनल स्टेटमेंट थी हमारी ये वाली ठीक, ये वाली स्टेटमेंट के साथ इस स्टेटमेंट के साथ हमने मल्टीप्लाई कर, तो ध्यान से देखो क्या जाएगा, तो दैट इज एक्स सॉरी हाँ जी तो x प्लस आइटा वाई का होल स्केयर मल्टीप्लाई बाय x माइनस आइटा वाई का होल स्केयर दैट इज इक्वल टू a प्लस आइटा बी डिवाइडेड बाय c प्लस आइटा d मल्टीप्लाई बाय a माइनस आइटा बी डिवाइडेड बाय c माइनस आइटा d। तो देखो ये जो दोनों चीजें मल्टीप्लाई होंगी तो ये बन जाएगा a स्केयर प्लस b स्केयर, ये डिनोमिनेटर वाली चीजें मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा c स्केयर प्लस d स्केयर, और ये दोनों का स्केयर हमने कॉमन ले लिया ठीक, ये स्केयर कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा x प्लस आइटा वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस आइटा वाई का होल स्केयर, स्केयर को मना। अब ये चीज दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, दैट इज एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का होल एंड ए स्केयर प्लस बी स्केयर बाय ए सी स्केयर प्लस डी स्केयर ठीक है। तो डेफिनेटली हम पहले स्केयरिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर पहले स्केयरिंग कर दी, पहले स्टेप में अगर हमने स्केयरिंग कर दी तो उसको स्केयरिंग ओपन नहीं करनी है, बस ये चीज याद रखना, यहाँ पे एक्स प्लस आइटा वाई का स्केयर ओपन नहीं करना। अगर हमने अगेन x प्लस आइटा वाई का स्केयर ओपन कर दिया तो फिर हम फंस जाएंगे, फिर हमारा क्वेश्चन जो है वो नहीं हो पाएगा ठीक। आई होप ये चीज क्लियर है। हाँ जी क्लियर हुआ ये चीज, बताइए जरा सारे। यस सर। सबको? यस सर। यस सर। सूर्यांश क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है, अपनी गलतियां भाई प्लीज देखता रहा है, कहीं पर कोई भी डाउट आ रहा है प्लीज पूछता रहा है ठीक है। हाँ जी तो अब आगे देखो जरा फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन, हाँ ये फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है, इसके अंदर काफी बच्चों ने गलती की है ठीक, ऑलमोस्ट सबने गलती की है, तो ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, एक सेकंड को जरा क्वेश्चन में ना नीचे दोबारा टाइप कर, एक सेकंड।
हाँ जी, तो क्वेश्चन है हमारा ये, ये काफी छोटा आ रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा क्वेश्चन? यस सर, ठीक है। बेसिकली क्या लिखा है मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, ए प्लस आइटा बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज हमें प्रूव करनी है। वो भी नहीं करना था, जरूरी नहीं था, वो भी एक्चुअली में एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो तूने कर दिया, वो भी करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। इसलिए मैं वही बता रहा हूँ कि अब करना क्या है, ठीक है, ध्यान से देखो। अच्छा पहले सारे मेरे को ना ध्यान से देखो, ये चीज बताओ कि डिनोमिनेटर में ये जो चीज है दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 1, इसमें कहीं आइटा है या नहीं है? नो सर। पक्का हर्षलिन, ये क्लियर है आपको? यस सर। ठीक राजवीर साहेब? यस सर। सूर्यांश, शौर्य, ये क्लियर है आपको कि डिनोमिनेटर में आइटा है या नहीं है? यस सर। नहीं है, नहीं है। तो अब मेरे को ये चीज बताओ, जब मैं 2x स्क्वायर प्लस 1 का कंजुगेट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा फिर? 2x स्क्वायर प्लस 1। हाँ शौर्य, माइनस 1 बनेगा? यस सर। नहीं बनेगा, आइटा का साइन चेंज होता है। ये आइटा है क्या आपका शौर्य? ये आइटा है क्या कंजुगेट में? शौर्य क्या होता है मेरे को बताओ जरा जल्दी। सर साइन चेंज होता है जो किसका, किसका साइन चेंज होता है? जिसका आइटा होता है। तो इधर आइटा है क्या? नहीं सर। तो फिर इधर का साइन चेंज नहीं होगा? बिल्कुल, तो ये 2 यही रहेगा। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। ठीक है, यही गलती आप कर रहे थे। हाँ जी, बाकी भी प्लीज ध्यान से देखो। तो बेसिकली अगर डिनोमिनेटर का मैं कंजुगेट करूंगा तो उसका साइन चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, ये सारा का सारा रियल है। अब देखो जरा, मैंने क्या किया, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ द साइड्स, ठीक, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ द साइड्स। ये काफी बच्चों का गलत है, प्लीज ध्यान से देखना। अब देखो इधर क्या बन जाएगा, a प्लस आइटा b का कंजुगेट इक्वल टू x प्लस आइटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। नीचे भी कंजुगेट हो गया, ऊपर भी कंजुगेट हो गया। तो देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गया, a माइनस आइटा b इक्वल टू, ये चीज का क्या बन गया, x माइनस आइटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे तो 2x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज रहा कंजुगेट के बाद भी। आई होप ये चीज क्लियर हुई। इस चीज में कोई डाउट? नो सर। पक्का सबको? प्लीज जबरदस्ती नहीं, अगर किसी को कोई भी मन में शंका आ रही है, डाउट आ रहा है, प्लीज पूछो। प्रिंस क्लियर हुआ अभी क्या करना है? यस सर। ठीक, स्क्वायर ओपन नहीं करना है इसके अंदर। नमन? यस सर। क्लियर है ना? प्रणव, राजवीर साहेब, सूर्यांश? यस सर, क्लियर है। ठीक ठीक। अब देखो जरा, ये जो स्टेटमेंट आई हमारे पास 1 एंड जो ओरिजिनल स्टेटमेंट दे रखी है 2, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो मल्टीप्लाई करके देखो क्या बना, a प्लस आइटा b मल्टीप्लाई बाय a माइनस आइटा b दैट इज इक्वल टू x माइनस आइटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस आइटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड ये चीज क्या जा रही है हमारी, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, अब इधर डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर बन जाएगा तो दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर में इन दोनों का स्क्वायर कॉमन आ गया तो क्या बन गया, ऐसे, तो दैट इज x माइनस आइटा इंटू x प्लस आइटा। तो ये चीज क्या बन जाएगी, हम अब ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, ये वाला स्क्वायर एज इट इज, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस तरीके से जो चीज प्रूव करनी थी वो हुई। ठीक, तो प्रिंस भाई ध्यान से देख, हमने कहीं पर स्क्वायर ओपन नहीं किया, ठीक है, तो बस कंजुगेट लिया। कंजुगेट लेने के बाद जो मेजर गलती बच्चे कर रहे थे वो ये था कि डिनोमिनेटर के अंदर ये 1 का साइन भी ऑपोजिट कर रहे थे, तो ये साइन हमें ऑपोजिट नहीं करना था,
तो कंजुगेट करने के बाद इसको ओरिजिनल स्टेटमेंट के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वी आर डन, दैट्स इट, वी आर डन। हाँ जी क्लियर हुआ इस क्वेश्चन को? yes. कैसे करना है सबको प्लीज सारे बताओ। यस सर क्लियर। यस सर क्लियर। यस सर। गुड गुड। सूर्यांश भाई तेरे को क्लियर हुआ? यस सर। ठीक 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 है, चलो अभी आगे देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिफ्थ क्वेश्चन में बताओ जरा किसी को डाउट इसकी, ये आई थिंक ऑलमोस्ट सबका सही था, सर एक कल किया था ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्लास में करवाया था मैंने। हाँ जी क्लियर है ना फिफ्थ क्वेश्चन? पहले कंजुगेट लेना है स्टेप वन में, फिर स्टेप टू में दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों को एक साथ नहीं करना है, ठीक है, अलग अलग तरीके से करना है, ठीक। अच्छा अब सिक्स क्वेश्चन देखो जरा, ठीक। सिक्स क्वेश्चन के अंदर क्या चीज जा रही है, दैट इज वन प्लस आइटा बाय वन माइनस आइटा। हाँ जी, वन प्लस आइटा बाय वन माइनस आइटा माइनस वन माइनस आइटा बाय वन प्लस आइटा। इसको दो तरीकों से मैं कर सकता हूं, पहला मैं एलसीएम ले लूं, दूसरा मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, इसको सिंप्लीफाई करूं, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक। मैं दोनों से करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक। ध्यान से देखो, एक सेकेंड। हाँ तो पहला मैं कर रहा हूं, पहले सिंप्लीफाई वाला, पहले सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं, ठीक। सिंप्लीफिकेशन में वन प्लस आइटा बाय वन माइनस आइटा, सिर्फ ये वाला पार्ट ले रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई बाय वन प्लस आइटा बाय वन प्लस आइटा कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, वन प्लस आइटा का होल स्केयर डिवाइडेड बाय नीचे बन जाएगा तुम्हारा वन स्केयर प्लस वन स्केयर माइनस आइटा का स्केयर, ऊपर बन गया आपका वन स्केयर प्लस आइटा का स्केयर प्लस टू आइटा डिवाइडेड बाय नीचे बन जाएगा ये माइनस वन, माइनस वन इंटू माइनस प्लस वन हो जाएगा तो वन प्लस वन, तो ये बन गया आइटा स्केयर माइनस वन, वन के साथ कटा तो ये बन गया टू आइटा बाय टू, तो कट के कितना आ गया आइटा। तो कहने का मतलब ये जो पूरी की पूरी चीज है, ठीक, ये पूरी की पूरी चीज दिस इज नथिंग बट आइटा, ठीक। अब ये चीज इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमने क्या किया, वन माइनस आइटा बाय वन प्लस आइटा, इसको वन माइनस आइटा बाय वन माइनस आइटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये बन गया वन माइनस आइटा का होल स्केयर डिवाइडेड बाय नीचे बन गया अगेन वन स्केयर माइनस आइटा का स्केयर, तो ये बन गया वन स्केयर प्लस आइटा का स्केयर माइनस टू आइटा डिवाइडेड बाय वन स्केयर प्लस वन, तो दैट इज आइटा स्केयर एंड वन कटा तो ये बन गया माइनस टू आइटा बाय टू, टू टू कटा तो माइनस आइटा। तो हमारा ये जो चीज है ये जा रही है हमारी आइटा एंड ये जा रही है माइनस आइटा, तो ये बन गया आइटा माइनस ऑफ माइनस आइटा, तो दैट इज टू आइटा, तो दिस इज नथिंग बट जीरो प्लस टू आइटा। अब इसका मॉडुलस निकालना, तो जीरो प्लस टू आइटा का मॉडुलस जो है, ठीक, वो क्या जाएगा आपका जीरो का स्केयर प्लस टू का स्केयर अंडर द रूट, तो दैट इज अंडर रूट ऑफ फोर। अब कल मैंने बताया था अंडर रूट ऑफ फोर जो होता है वो प्लस टू होता है, ठीक, तो इसका आंसर प्लस टू होगा। आई होप ये चीज क्लियर हुई, ठीक। दिस इज वन वे कि हमने जो ये दोनों अलग अलग पार्ट्स हैं इन दोनों को पहले सिंप्लीफाई किया, देन सिंप्लीफाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट किया, ठीक। अब अगर एलसीएम लेते हैं हम डायरेक्टली, ठीक, तो ध्यान से देखना, वन प्लस आइटा बाय वन माइनस आइटा माइनस वन माइनस आइटा बाय वन प्लस आइटा। अब ध्यान से देखना, अगर मैं एलसीएम लूं तो एलसीएम में क्या जाएगा मेरा, ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो दैट इज वन माइनस आइटा मल्टीप्लाई बाय वन प्लस आइटा, और इधर क्या आएगा, ये चीज इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये बन जाएगा वन प्लस आइटा का होल स्केयर, बीच वाला माइनस एज इट इज, और ये चीज इधर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा वन माइनस आइटा का होल स्केयर, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, देखो जरा, वन प्लस आइटा का होल स्केयर क्या जाएगा आपका, वन स्केयर प्लस आइटा स्केयर प्लस टू आइटा माइनस, इसका स्केयर ओपन किया तो क्या बन जाएगा, वन स्केयर प्लस आइटा स्केयर माइनस टू आइटा डिवाइडेड बाय नीचे, नीचे क्या बन जाएगा आपका वन स्केयर माइनस आइटा का स्केयर, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये जो आइटा स्केयर होता है ये होता है माइनस वन, माइनस वन प्लस वन कटा, ये माइनस वन प्लस वन कटा, तो क्या बचा, टू आइटा माइनस ऑफ माइनस टू आइटा डिवाइडेड बाय नीचे ये चीज बन गई टू, तो ये बन गया आपका फोर आइटा बाय टू, तो ये कट के टू, तो दैट इज टू आइटा। इससे भी आंसर देखो टू आइटा ही आ रहा है, टू आइटा के अलग नहीं जा रहा है, ठीक, टू आइटा ही आ रहा है हमारे पास आंसर में। तो जैसे आंसर टू आइटा आया, अब इसका मॉडुलस निकालेंगे, तो मॉडुलस निकालने के लिए क्या करेंगे, रियल पार्ट का स्केयर एंड इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, ठीक। तो ध्यान से देखो जरा, दैट इज अगेन जीरो प्लस टू आइटा का मॉड, तो दैट इज जीरो का स्केयर प्लस टू का स्केयर अंडर द रूट, तो दैट इज अंडर रूट ऑफ फोर, तो दैट इज प्लस टू, इस तरीके से ये। हाँ जी क्लियर हुआ ये चीज, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? सर एक बार दोबारा बता दो ये वाला, कौन सा वाला, ये सेकंड वाला तरीका एलसीएम वाला? हाँ जी हाँ जी। अच्छा ठीक, तो एलसीएम देखो हमने क्या किया, देखो एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, देखो अगर मेरे पास ए बाय बी
प्लस सी बाय डी है, ठीक। पहले ये समझो कि इसके अंदर एलसीएम लेने का तरीका, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होता है। ये क्या बन जाता है, एलसीएम क्या आ जाएगा, बी इंटू डी, ठीक। और ये डी इधर मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये बन जाएगा ए इंटू डी, प्लस ये बी इधर मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये बन जाएगा सी इंटू बी। बिल्कुल सही, ये क्लियर है ना? यस सर। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे मैं दोबारा बता रहा हूँ क्या किया हमने, ठीक। तो हमने जब एलसीएम लिया तो ये डिनोमिनेटर वाली ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई होगी, तो देखो जरा ये डिनोमिनेटर वाली चीजें मल्टीप्लाई होगी। अब इसके बाद हमने क्या किया, ठीक, ध्यान से देखना कि ये जो चीज है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो क्या बन जाएगा ये 1 प्लस आइटा का स्क्वायर, तो वो बन गया ये 1 प्लस आइटा का स्क्वायर। बीच वाला ये जो नेगेटिव साइन है, ठीक, बीच वाला ये जो ये नेगेटिव साइन जो है, ये नेगेटिव साइन ये रिटेन्ड रहा ये एज इट इज। फिर इसके बाद ये जो है 1 माइनस आइटा, ये इधर 1 माइनस आइटा के साथ इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो, तो ये बन गया 1 माइनस आइटा का स्क्वायर, ठीक, ये चीज बन गई। इसके बाद क्या किया हमने, ये 1 प्लस आइटा का स्क्वायर ओपन किया, ठीक है, ये वाला जो स्टार्टिंग वाला है, ठीक, ध्यान से देखो, ये वन, ओ सॉरी, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक सेकंड को हाइलाइटर लेने दो, हाँ ये लेते हैं। तो ये जो 1 प्लस आइटा का स्क्वायर है, इस 1 प्लस आइटा का स्क्वायर को ओपन किया, तो क्या बन गया 1 स्क्वायर प्लस आइटा का स्क्वायर प्लस 2 आइटा। फिर ये वाला जो है दैट इज 1 माइनस आइटा का स्क्वायर, इसको ओपन किया तो ये बन गया 1 स्क्वायर प्लस आइटा का स्क्वायर माइनस 2 आइटा, बीच में नेगेटिव साइन आया था। और नीचे ये 1 माइनस आइटा इंटू 1 प्लस आइटा दोनों मल्टीप्लाई के नीचे आ गया 1 स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर, ठीक। तो जैसे ये दोनों चीजें बन गई, अब इसके बाद क्या हुआ, ये जो आ रहा है आइटा का स्क्वायर ये माइनस 1 होता है, ये 1 का स्क्वायर दैट इज प्लस 1, ये दोनों कट के 0 हो गया। ऐसे ये 1 का स्क्वायर 1 एंड ये आइटा का स्क्वायर माइनस 1 दोनों कट के 0 हो गया, तो बचा क्या इधर 2 आइटा माइनस 2 आइटा। तो देखो 2 आइटा माइनस ऑफ माइनस 2 आइटा, ठीक, तो क्या बन गया ये दैट इज प्लस 2 आइटा, तो ये 2 आइटा प्लस 2 आइटा 4 आइटा, और डिनोमिनेटर में 2 है, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो दैट इज 2, तो डिनोमिनेटर में भी 2, 2 2 कट गया, तो 4 का 4 आइटा का बन गया 2 आइटा, तो इस तरीके से ये बन गया 2 आइटा। हां जी, क्लियर हुआ? हां जी सर। नहीं देख लो, अगर कहीं पे कोई डाउट आ रहा है प्लीज पूछो, डोंट वरी, दोबारा मैं रिपीट करूंगा। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, फिर मॉडुलस किया ना। देखो फाइनल क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, फाइंड द मॉडुलस, मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस निकालने के लिए इसको पहले हमने सिंप्लीफाई किया, अब सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या बना, 2 आइटा। अब 2 आइटा दैट इज 0 प्लस 2 आइटा ना, इसका मॉडुलस निकाला। अब मॉडुलस निकालने का मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर द रूट। हां जी, क्लियर हुआ? हां जी सर। ठीक है, ठीक ठीक, हां जी, सबको क्लियर हुआ जी? यस सर। चले आगे, चले आगे। यस सर। चलो ठीक 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 है, आगे चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इसके अंदर क्या जा रहा है, 1 माइनस आइटा बाय 1 प्लस आइटा की पावर 100, ठीक, इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो बेसिकली जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको किसी ना किसी तरीके हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये मत सोचना कि हमें पावर 100 करना पड़ेगा, ठीक। तो ध्यान से देखो ये चीज, तो 1 प्लस आइटा बाय 1 माइनस आइटा की पावर 100 दैट इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी, ठीक। आई होप ये क्वेश्चन है, 1 प्लस आइटा, हाँ नहीं 1 माइनस है, ऊपर एक ऊपर माइनस है नीचे, अगर उसकी पावर ले ले। नहीं नहीं, पहली बात तो पावर 100 आपको आता नहीं है ना, फॉर्मूला नहीं है कोई पावर 100 का, पावर 100 आती नहीं है ना करनी हमें, ठीक है ना, तो पावर 100 कर नहीं पाएंगे। तो इससे पहले ये जो अंदर वाली चीज है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमने 1 माइनस आइटा बाय 1 प्लस आइटा लिया, इसको 1 माइनस आइटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये बन गया 1 माइनस आइटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, 1 स्क्वायर प्लस आइटा का स्क्वायर माइनस 2 आइटा डिवाइडेड बाय, ये नीचे बन गया 1 प्लस 1, तो ये आइटा का स्क्वायर एंड 1 कटा, ठीक, क्योंकि आइटा का ये क्या होता है माइनस 1, ये माइनस 1 और प्लस 1 कट गया, तो बच गया माइनस 2 आइटा बाय 2, 2 2 कटा तो दैट इज माइनस आइटा। तो बेसिकली ये अंदर वाली जो चीज है ये सारी की सारी चीज ये सिंप्लीफाई होके क्या बन गई, माइनस आइटा। तो ये बन गया माइनस आइटा की पावर 100 दैट इज इक्वल टू ए प्लस आइटा भी। अब देखो माइनस आइटा की पावर 100 करना बहुत सिंपल है, ठीक, इसको ध्यान से देखना, इसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 वाली चीज नहीं लिखेंगे, याद रखना, ठीक, आइटा की पावर 0 नहीं लिखते हैं, ठीक। इसको क्या करना का तरीका रहेगा, ध्यान से देखना, ये पहली बात तो माइनस 1 इंटू आइटा की पावर 100 है, ठीक, तो इसको लिखेंगे माइनस 1 की पावर 100
एंड इनटू आइटा की पावर 100, अलग कर देंगे, ये माइनस वन की पावर 100 क्या हो जाएगा, प्लस वन, ठीक, एंड आइटा की पावर 100 क्या हो जाएगा, देखो इसको लिखा आइटा की पावर 4 की पावर 25, ठीक, 100 को लिखा ये चीज, अब ध्यान से देखो आइटा की पावर 4 क्या होता है 1, तो ये बन गया आपका 1 × 1 की पावर 25, तो दैट इज नथिंग बट 1, तो ये इस तरीके से ओवरऑल चीज बन गई 1, ठीक, तो ये 1 शुड बी इक्वल टू a प्लस आइटा b, अब ये 1 को लिखेंगे 1 प्लस 0 आइटा, ऑन कंपैरिजन इक्वालिटी ऑफ ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करके a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 0 चाहिए, इस तरीके से। हाँ जी क्लियर हुआ, क्या किया सर? हाँ जी सर, जब मेरा माइनस वन रेज टू पावर 100 आया तो मैंने माइनस आइटा का आयोटा 3 लिख दिया, तो वो भी ठीक है? वो कैसे किया आपने, माइनस आइटा की पावर 100 को आपने लिखा माइनस आइटा की पावर 3? नहीं नहीं सर, माइनस आयोटा रेज टू पावर 100 था तो मैंने आयोटा रेज टू पावर 3 इज माइनस आयोटा। आपने क्या लिखा, ये चीज को लिखा आयोटा की पावर 3 ना? यस सर, ऑफ 300 करके सॉल्व, आयोटा की पावर 300, बिल्कुल, तो आयोटा की पावर 300 क्या जाएगा आपका, फिर आगे क्या किया आपने सर? 300 डिविजिबल है 4 से, बिल्कुल, तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 1 आ जाएगा, आयोटा रेज टू पावर 4 और फिर बिल्कुल सही, वो कर सकते हो। बेसिकली रिमाइंडर जीरो जब आ रहा है तो आपको आयटा की बार जीरो नहीं लिखना होता है, क्योंकि आयटा की बार जीरो को नहीं हम डिफाइन करेंगे, हम आयटा की बार जीरो को डायरेक्टली वन लिखेंगे, आयटा की बार जीरो लिखेंगे ही नहीं। ओके सर, ठीक है, हाँ जी, बाकी सबको क्लियर हुआ क्या करना है, प्लीज एक बार देखो, चलो आगे चल रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसके अंदर भी सेम चीज थी, 1 प्लस आइटा का स्क्वायर बाय 2 माइनस आइटा, ठीक, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, 1 माइनस आइटा का स्क्वायर बाय 2 प्लस आइटा, दैट इज इक्वल टू x प्लस आइटा y, ठीक, एक सेकेंड, लेट मी सी, हाँ जी 1 प्लस आइटा का स्क्वायर बाय 2 माइनस आइटा, ठीक, तो अब देखो इसका स्क्वायर ओपन किया तो ये बन गया 1 स्क्वायर प्लस आइटा का स्क्वायर माइनस 2 आइटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आइटा, तो दैट इज आइटा का स्क्वायर 1 के साथ कटा, तो दैट इज माइनस 2 आइटा बाय 2 प्लस आइटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आइटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आइटा, तो ये चीज क्या बन गई, माइनस 2 आइटा इंटू 2, तो दैट इज माइनस 4 आइटा, एंड माइनस 2 आइटा इंटू माइनस आइटा, तो दैट इज प्लस 2 आइटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, ठीक, और साथ में आ जाएगा माइनस ऑफ आइटा स्क्वायर, तो ये बन गया आपका माइनस 4 आइटा, और ये चीज क्या बन गया आपकी माइनस 1, तो ये बन गया माइनस 2, ये चीज आ रही है, यस सर, 4 आइटा माइनस प्लस 4 आइटा आ रहा है, यस सर, प्लस 4 आइटा आ रहा है, उल्टा लिख दिया, एक्चुअली क्वेश्चन उल्टा लिख दिया, एक सेकंड रुको, हाँ जी, तो क्वेश्चन एक्चुअली में ये है, प्लस है और नीचे माइनस है, ये क्वेश्चन है, एक अब ध्यान से देखो, इसको ओपन किया तो ये आ गया 1 प्लस आइटा का स्क्वायर प्लस 2 आइटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आइटा, तो ये आइटा का स्क्वायर 1 के साथ कटा, तो बचा 2 आइटा बाय 2 माइनस आइटा इंटू 2 प्लस आइटा बाय 2 प्लस आइटा, तो ये बन गया 2 आइटा इंटू 2, तो दैट इज 4 आइटा, एंड 2 आइटा इंटू आइटा, तो दैट इज 2 आइटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे बन गया आपका 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो दैट इज नथिंग बट 4 आइटा प्लस ये माइनस 1 हो गया, तो ये बन गया ओवरऑल माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5, तो ये बन गया आपका माइनस 2 बाय 5 प्लस 4 बाय 5 आइटा, तो ये रियल पार्ट चला गया, तो दिस इज योर x प्लस आइटा y, तो कंपैरिजन करके x की वैल्यू क्या गई, दैट इज माइनस 2 बाय 5, एंड y की वैल्यू क्या गई 4 बाय 5, इस तरीके से x एंड y, अब x प्लस y क्या जाएगा आपका माइनस 2 बाय 5 प्लस 4 बाय 5, तो दैट इज 2 बाय 5, हाँ जी बताओ सबको क्लियर हुआ? यस सर। सूर्यांश क्लियर हुआ भाई? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जी कोई डाउट अभी तक? नो सर। ठीक है, तो इन मिस्टेक्स को प्लीज ध्यान से ऑब्जर्व करो, आज का जो होमवर्क है वो स्टिल इन्हीं के ऊपर बेस्ड रहेगा, ठीक है, विल ट्राई टू कंप्लीट दी पूरा का पूरा। अच्छा एक और चीज,
आप लोगों ने सॉल्यूशंस देख लिए सारे के सारे, ठीक। यू नो दैट कि आपकी क्या क्या गलती हुई है, ठीक है, मेरे को कहने की कोई जरूरत नहीं है। यू नो दैट कि इंडिविजुअल बेसिस पे क्या क्या गलती हुई है, ठीक है। आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, ठीक, जिनके भी जिस क्वेश्चन में गलती है वो वाला क्वेश्चन आज का, कल वाला जो होमवर्क का, ये जो हमने अभी डिस्कस किया है, ये दोबारा करना है, ठीक। मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो जो क्वेश्चन में आपकी प्रैक्टिस हुई है, हल्की सी भी प्रैक्टिस हुई है आपकी, एक छोटे से छोटे स्टेप की भी गलती हुई है, आपको वो क्वेश्चन पकड़ के दोबारा आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक। तो आज के होमवर्क में जो मैं अभी आपको होमवर्क सेंड करूंगा वो तो करने करना है, प्लस ये वाले जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके अंदर कोई भी गलती हुई है वो क्वेश्चन आपको दोबारा रिपीट करके आज के होमवर्क में मेरे को सेंड करना। आई होप क्लियर हो। मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ इसलिए ताकि जल्दी जल्दी में हमारा पिछला वाला नुकसान ना हो जाए, ठीक है। तो अगेन आज का आपका होमवर्क जो मैं अभी सेंड करूंगा वो रहेगा, प्लस ये वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, ये जो टोटल 8 क्वेश्चन है हमारे ये वाले होमवर्क के, इस क्वेश्चन के अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन आपका गलत हुआ है तो वो आपको दोबारा करना है, दोबारा प्रैक्टिस करके दोबारा मेरे को आज आपको सेंड करना है। आई होप क्लियर हुआ आज का होमवर्क क्या आपका। यस सर। यस क्लियर है सुरेश भाई, क्लियर है शौर्य साहेब? यस सर। ठीक 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 प्रणव, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो आज हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वैसे भी ऑलमोस्ट 225 हो गया, तो वी आर डन फॉर द डे, ठीक है, हम कल मिलते हैं। चलो थैंक यू, थैंक यू सर, वेलकम, थैंक यू, थैंक यू सर, वेलकम वेलकम।